आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में, आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा रानीपुर में रहने वाली रहीस यादव पुत्र स्वर्गीय राम नारायण यादव निवासी मोहल्ला सिरधरपुरा रानीपुर कल 22 मई की दोपहर 2 बजे घर से अपने 2 बच्चे हर्ष 12 वर्ष अंश 8 वर्ष के साथ घर से बच्चों को कपड़े लेने की बात कहकर निकला था। बच्चों सहित पति के गुमशुदा होने की सूचना पत्नी अर्चना यादव एवं छोटे भाई राजेंद्र यादव के द्वारा पुलिस को दी गई। आज दोपहर के समय लगभग 4 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा स्थित केदारेश्वर मंदिर पर कुएं में 3 लाशें डली हुई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल ने मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने पाया कि कुएं के घाट पर बहुत सारा खून एवं कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। इसके साथ ही पुलिस ने कुएं में उतराती हुई 3 लाशों को कुएं से बाहर निकाला, जिनकी पहचान रहीश यादव पुत्र राम नारायण उम्र लगभग 42 वर्ष एवं उसके दोनों पुत्रों की पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित 3 थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने लाशों को निकालकर आगे की कार्यवाही के लिए मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। 2021 को लगभग शाम 4 बजे थाना मऊरानीपुर के सूचना है कि रानीपुर चौकी के गांव रानीपुर में केदारेश्वर मंदिर के पास एक कुआं थी। कुछ यात्रा करते हैं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को कब्जे में लिया तथा शव को निकाले गए। तो शव की शिनाख्त रईस यादव शनाख राम नारायण और रईस यादव की उम्र लगभग 45 साल है तथा 2 बच्चे हर्ष और अंश जिनकी उम्र कम से 13 साल और 8 वर्ष है के रूप में की गई। ये दोनों बच्चे रईस यादव के हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा एक फॉरेंसिक टीम बुला ली गई जो कि घटनास्थल का परीक्षण करेगी। इसके अलावा जो अभी तक लोगों से पूछताछ करते जो तथ्य सामने आए उनमें कि कल 2 बजे के आसपास से रईस अपने दोनों बच्चों को कपड़ा दिलाने के लिए कपड़ा खरीदवाने के लिए बाहर लेके गए थे, तब से वापस घर नहीं आए थे। तथ्य सामने